नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। लग्जरी कार में शराब की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जहां रंग पंचमी के दिन ग्रामीण इलाके धार से शहर में बेचने के लिए लाई गई अंग्रेजी शराब की कुल 11 पेटी पुलिस ने बरामद की है। पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाईपास स्थित मुखबिर की सूचना पर एक डस्टर कार में सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो गाड़ी में अंग्रेजी शराब की तस्करी करते थे। और ये बताया जा रहा है कि रंग पंचमी के दिन शहर में शराब की दुकानें बंद थी, इसी को लेकर ग्रामीण इलाके धार से शराब लेकर उसे बेचने के लिए लाया जा रहा था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से कार में लगभग 11 अंग्रेजी शराब की पेटी बरामद कर ली है, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये बताई गई है। पकड़ा गया आरोपी सौरभ कलमोदिया और दिनेश लोधी शराब की तस्करी कर रहे थे। आरोपियों का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। ये इस दिनांक 21 तारीख की रात की बात है, जब पंचमी को ड्राई डे डिक्लेरेशन हो गया था, तो क्राइम की टीम, हम लोग भ्रमण पे थे, क्राइम की टीम को सूचना मिली थी। तो क्राइम की टीम द्वारा हमें बताया गया कि सर ऐसी मुखबिर सूचना है कि पीथमपुर तरफ से कोई अवैध शराब की गाड़ी एक आ रही है। तो जैसे हम लोग फिर हम लोगों ने सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के एक मतलब जो मुखबिर ने जो गाड़ी बताई थी डस्टर, वो सारी गाड़ियाँ चेक करने लगे, तो एक डस्टर मिली हम लोगों को वाइट कलर की, जो पीथमपुर तरफ से आ रही थी। उसको चेक किया तो उसमें हम लोगों को 11 पेटी रॉयल स्टेज अंग्रेजी शराब की बोतलें मिली, 11 पेटी मिली, जिसमें दो आरोपी थे। उसमें एक सौरभ कलमोदिया और दिनेश लोधी नाम का आरोपी था, जिसमें सौरभ ये मंडलाउदा जिला धार का रहने वाला है और दिनेश जो है बाग जिला धार का रहने वाला है। इनसे भी जिसमें सौरभ जो है उसका उससे ज़्यादा मतलब वो पहली बार इस मामले में था, ऐसा पूछताछ में उसने बताया था, तो उसको मान्य न्यायालय पेश कर दिया था। लेकिन दिनेश का हमने पुलिस रिमांड लिया है। ये शहर में ही लेके आ रहे थे, इंदौर में ही अवैध रूप से बेचने के लिए लेकर आ रहे थे। क्या कीमत होगी इसकी? कीमत लगभग 7 लाख रुपए करीब की है।